एग्जाम्पल नंबर फोर देख रहे हैं हम लोग, क्या लिखा है? बोला गया फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन जो है f दिया गया है। पहले बोला एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स क्या है? 4x³ - 6। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा f। ठीक है, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx तो ये क्या बन जाएगा? x f बन जाएगा। और एक चीज दिया है कि एफ एक्स जो होगा, एफ जीरो लिखा है, एफ जीरो जो होगा वो 3 होगा। मतलब फिलहाल ये बनेगा एफ एक्स, कैसे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx - 6 इंटीग्रेशन dx। ये बन गया f, स्मॉल f था, कैपिटल f बन गया। ये हो जाएगा 4x⁴/⁴ - 6x, और एक एक्स्ट्रा आता है c, क्योंकि इंटीग्रेशन x का पावर n dx अगर लिखा होता है तो फॉर्मूला होता है n+1/(n+1)c, और अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इसका होता है x+c। तो फिलहाल ये बन गया एफ एक्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x, ये वाला क्या है? x है, x क्या करता है? 0 लिखना है। अगर हम यहां 0 लिखते हैं, ये तो कट गया, ये 0⁴ - 6 × 0+3 हो जाएगा। इसका वैल्यू 3 लिखना है, इसका वैल्यू 3 लिखेंगे तो 3 लिखने पे क्या मिलेगा? ये कंप्लीट 0 है तो c मिला। ठीक है, तो अगर हम लोग वापस, हमको निकालना है fx, तो fx को लिखेंगे तो x⁴ - 6x लिखना है, और ये c का वैल्यू फिलहाल कितना आया है? 3 आया। तो हम लोग का ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का। तो एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं फोर्थ नंबर का, x⁴ - 6x + 3, ये हम लोग का फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का।